यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने प्रतापगढ़ के जगदीश मातन हेलिया मेमोरियल ट्रस्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि शिक्षा और सामाजिक समानता के बगैर एक विकसित समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। वहीं राम नाईक ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी बयान दिया। ऐसा है कि आपने शुरू में ही कहा कि राजकीय सवाल है और राज्यपाल का पद राजनीति के परे होता है। संविधान के अनुसार हम काम करते हैं और संविधान में चुनाव होते हैं, चुनाव में जो जीतता है उसका अभिनंदन किया जाता है और साथ ही साथ जो योग्य सरकार बना सकते हैं, वैसे योग्य सरकार बनाना तो वहाँ का जो राज्यपाल है उनका दायित्व तो होता है, लेकिन यह अपने आप में एक बड़े चुनाव हो गए और उस भूमिका में जिस प्रकार से मतदाताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया है, मैं सारे मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। मैं राज्यपाल राम नाईक ने यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर कहा कि शिक्षा के लिए सत्र में सप्लीमेंट्री बजट लाया जाएगा। शिक्षा के बारे में अब 18 तारीख से विधिमंडल की चर्चा शुरू होगी और उस समय पर सप्लीमेंट्री बजट भी आने वाला है। सप्लीमेंट्री बजट योग्य ढंग से लोगों की अपेक्षा के अनुकूल आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। वहीं इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के अध्यक्ष और राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद के कुलपति ने भी शिरकत की। प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।